तो इतना एक छोटा सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, जिस पे ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है कि आप सीधा सीधा सा लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करें। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, तो हमें नहीं मालूम डिस्टेंस क्या है। सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो बेटे हमें स्पीड भी नहीं मालूम। ठीक है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, प्लीज सारे बच्चे, इट इज चैप्टर 3 लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, बट कितना इंटरेस्टिंग है और कितना इजी है वो समझने की कोशिश करिए। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, तो वहां से हमें निकालना है, बस वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करना है सिंबल्स में, ट्रांसफॉर्म करना इक्वेशन है, देन वी विल सॉल्व। तो ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, वी डोंट नो द डिस्टेंस, मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मुझे स्पीड भी नहीं मालूम है, मैंने वहां पे भी क्वेश्चन मार्क कर। नाउ इट्स गिवन इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। कोई बच्चा मुझे इसको सिंबल्स में ट्रांसफॉर्म करेगा, इसका क्या मतलब है? x plus 10. x plus 10. 10. Where is x? And what is x? डॉक्टर सलमान, यस स्पीड, आपने मतलब एज्यूम कर लिया, यस गुड। तो यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो सब बच्चे कि भाई सर अगर हम सपोज कर लें, क्योंकि डिस्टेंस भी नहीं था स्पीड भी नहीं था, तो सपोज अवर प्रीवियस स्पीड और द गिवन स्पीड वाज एक्स, ये आप कहना चाह रहे हो। तो इन दिस केस वो कह रहा है कि अगर स्पीड आपकी 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाए, तो इट वॉज अवर जनरल केस, फर्स्ट केस वन, एनी डिस्टेंस एनी स्पीड। Now in the case 2, if the speed is 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. तो ऊपर हमारे पास time भी नहीं था, तो अगर हम time भी suppose कर लें, कुछ भी time ले लें, तो now in this case when the speed is faster, time will be 2 hours less. तो 2 hours कम लिए जाएंगे for the same journey. ये आ गया। अभी मैं एक्स वाई सब में मानना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया था। तो हमारे पास क्या था, व्हाटएवर इट इज, जो भी था उसमें प्लस 10 हो जाएगा, अभी देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस 10, एंड इसी तरह से हमारे पास टाइम हो जाएगा माइनस 2। बट देयर इज अनदर केस। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द ट्रेन वर 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर स्पीड को आपने स्लो कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप स्लो चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। It would have taken 3 hours more than the scheduled time. Then time will be 3 hours more. ये हमारे पास। तो सब बच्चों को जो हमारे पास information है, वो समझ में आई या नहीं आई? अभी हमने कुछ नहीं लिखा बेटे। General and case 1 when the speed is fast and case 2 when the speed is slow. सब बच्चे बताओ, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी सर। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, देयर इज ए सर्टेन डिस्टेंस व्हिच हैज टू कवर बाय द ट्रेन एट द सर्टेन स्पीड। ठीक है, सम टाइम विल बी टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो ना डिस्टेंस पता, ना स्पीड पता, ना टाइम पता, बस आपसे कह रहा है अगर वो तेज चलेगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा होगी, यानी कि प्लस 10, देन देयर विल बी 2 आवर लेस, एंड माइनस 10 देयर विल बी 3 आवर्स मोर। ये हमसे कह रहा है। तो होता क्या है बेटे, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है इस क्वेश्चन में, आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा कि सर फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो एक्चुअली होता क्या है, होता ये जो चीज फाइंड करनी होती है उसी को सपोज करना होता है। तो आपकी चॉइस है, आपके पास तीनों ही नहीं मालूम, ना डिस्टेंस मालूम, ना स्पीड मालूम, ना टाइम मालूम, तो आपकी चॉइस है आप क्या सपोज करना चाहते हैं। ठीक है, आप डिस्टेंस ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है, हम सपोज करो, क्योंकि हमारे पास अगर आप एक डिस्टेंस ही एक ऐसा है जो इनटू में आएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, टाइम लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो हमें निकालना है डिस्टेंस है, चॉइस आपकी, आप जिसको चाहे कंसिडर करें, लेकिन मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस को ही सपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ कि सपोज करो मेरा स्पीड एक्स है और मेरा टाइम वाई। ठीक है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम,
x into y, बाद में सोचेंगे क्या होता है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास है distance is equals to speed into time, तो हमारे पास जो केस गिवन है वो हमसे कह रहा है कि सपोज स्पीड इज इंक्रीज, तो स्पीड हो जाएगा x plus 10, इन दिस केस टाइम हो जाएगा y minus 2। कोई बच्चा मुझे बताएगा अगर मेरे पास स्पीड x plus 10 है और टाइम y minus 2 है तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा? ये होगा इक्वल, लेकिन बेटे डिस्टेंस तो एक्स वाई होगा बेटे, डिस्टेंस थोड़ा ही चेंज होगा, आप फास्ट चलो या स्लो चलो डिस्टेंस तो एक्स वाई रहेगा। हाँ, जो आप कहना चाह रहे हो क्या जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यस और नो? ये होगा, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। हमारी पहली इक्वेशन क्या आएगी, एक्स वाई इज इक्वल टू x plus 10 into y minus 2, ये हमारी first equation है। In the same case, आपके पास जो speed है वो कम हो गई x minus 10 और time आपका ज़्यादा हो गया y plus 3, तो again speed into time is equals to distance, तो distance क्या होगा? x y, that's it, ये equation। जी बेटे समझ में आया या नहीं आया? जी सर। दोबारा से देखिए, अब क्वेश्चन ये तो आपको ऐसे ही रफ समझाना था, हम स्टार्ट कहां से करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, बेटे टाइम टेकन इज वाई आवर्स, covered distance will be x y, ये हमारा जनरल है बेटे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, केस वन, इफ स्पीड इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, so new speed क्या हो जाएगी बेटे, x plus 10, ठीक है, new time taken, आपसे उसने कहा था कितना टाइम कम हो जाएगा, 2 आवर लेस, y minus 2, so x plus 10 into y minus 2 equals to xy, बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है बेटे, speed into time is equals to distance, बेटे distance उतना ही रहना, आप यहाँ से अगर आपने घर से स्कूल जा रहे हैं, आप स्लो जाइए, फास्ट जाइए, अपनी कार से जाइए, स्कूल बस से जाइए, बट आपको डिस्टेंस जो है स्कूल का उतना ही रहना, तो डिस्टेंस चेंज होता है, डिस्टेंस अगर हम एक्स वाई कर चुके स्पीड इनटू टाइम तो इट विल रिमेन सेम एक्स वाई, बट इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो हमारे पास क्या है इक्वेशन, एक्स वाई माइनस टू एक्स एन वाई माइनस 20 एक्स वाई, so x y cancel with it, so आपके पास equation आ जाएगा minus 2x plus 10y is equals to, चाहे 2 से divide कर दीजिए, नहीं चाहे मत करिए, तो it is your first equation, तो अगर आप divide करना चाहते हैं by 2, it will be minus x plus 5y is equals to, that is your first equation. Case 2 is given speed decreased by 10 km per hour. So it will take 3 hours more. Yes, 3 hours more. तो मैं दूसरे तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ, मैंने बस स्टेटमेंट लिख दिया स्पीड डिक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर
इट विल टेक 3 आवर्स मोर सो अब देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर माशाल्लाह आपको प्रैक्टिस हो जाए तो नाउ इट स्पीड बिकेम डिक्रीज x माइनस है टाइम इंक्रीज y प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई सब बच्चे समझ लीजिए चॉइस आपकी है आप अपने केसेस को ऐसे मेंशन कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ किया था स्पीड इंक्रीज बाय 10 तो न्यू स्पीड न्यू टाइम इक्वेशन आप चाहे तो सीधा सीधा सा ऐसे लिख सकते ये बात समझ में आ गई स्टेटमेंट्स देने का तरीका आप बच्चों को स्पीड डिक्रीज बाय 10 मींस x माइनस 10 टाइम इंक्रीज बाय 3 मींस y प्लस 3 एंड डिस्टेंस इज एक्स वाई अगेन बेटे मल्टीप्लाई कर दो तो चॉइस इज योर्स कि आप कैसे लिखते हो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू बेटे एक्स वाई सो एक्स वाई कैंसिल सो फाइनली यू हैव 3x माइनस 10y इज इक्वल टू व्हिच इज योर सेकंड इक्वेशन बताओ बेटे आपको समझ में आया इक्वेशन या नहीं जी ठीक है अब देखो इसमें यहाँ पे भी 10 था यहाँ पे भी 10 था तो अच्छा ये है यही देखना होता है कि अगर हम इसको ना सपोज कर दिए और आपने इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो देखो जरा आपको नजर आ रहा है क्या 10y बेटे यहाँ पे भी है और 10y यहाँ पे भी है एक जगह हमारे पास प्लस में है और एक जगह हमारे पास माइनस में है तो क्या करें बेटे इन दोनों इक्वेशन को हम पता है एलिमिनेट कर दें क्या करेंगे सलमान एलिमिनेट करने के लिए प्लस करें माइनस करें बेटे सर सीधा सीधा कर देंगे नहीं अगर नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा ये तो पूछना चाह रहा हूँ आप गलती कर रहे हो ना बेटे ऑलरेडी साइन चेंज है आप एलिमिनेट तभी कर पाते हैं व्हेन दे हैव अपोजिट साइन तो ऑलरेडी साइन आर अपोजिट तो जब अपोजिट साइन होते हैं तो ऐड करते हैं बेटे ऐड ये तो पूछना चाह रहा और अगर सेम साइन होते तो फिर हम सबट्रैक्ट करते हैं ठीक है तो आपको सीधा सीधा बेटे क्या करना है इक्वेशन 1 + 2 मैं लिख भी दे रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो ये तो बहुत ही फास्ट पढ़ा रहे हैं मतलब हमने तो डिस्कस किया ही नहीं अपनी क्लास में तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहां से समझ रहे हो बट चलो आंसर तो दे रहे हो आप लोग उसी का -2x + 10y = 20 ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x - 10y = 30 आप सब बच्चे देख लीजिए बेटे जब आपके पास टू इक्वेशंस हो और आपके पास टर्म सेम का मतलब यहाँ पे भी बेटे 10y है और यहाँ पे भी 10y फिर आपको चेक करना होता है उनका साइन एक हमारे पास प्लस में है और एक हमारे पास माइनस तो इफ टर्म्स आर सेम इन नंबर्स इन वेरिएबल्स एंड देयर साइन आर अपोजिट तो आपको सिंपली क्या करना है ऐड करना आप यहाँ लिख दीजिए बस ऐड जब आप ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते हैं एज इट इज वो रिमूव हो जाते हैं तो फिर क्या होगा 10y कैंसिल हो जाएगा एंड 3x - 2x आएगा और इधर 30 + 20 = 50 आ जाएगा तो फाइनली यू हैव x = 50 बट अगर आपके पास साइन सेम होते हैं तो फिर आपको सबट्रैक्ट करना होता है व्हेन यू सबट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम अनदर तो फिर आपके सेकेंड इक्वेशंस के टर्म्स के साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ठीक है सलमान समझ में आ गया जब आपके पास एक्स 50 आ गया तो आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो पुट इन 1 or 2 तो अगर 1 में रख रहे हैं तो -2 × 50 - 2 × 50 + 10y = 20 बट ये 252 जा 100 इधर आएगा 10y = 120 10 से कैंसिल करेंगे तो y = 12 आएगा बेटा तो आपके पास x आया है 50 और y आया है 12 बट आपको बेटे डिस्टेंस निकालना था और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम 50 दैट इज 600 सब बच्चे बताओ कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया जिन बच्चों ने एटलीस्ट किया है अपने थर्ड सेम का जी तो ये था बेटे शफीक आ रहे हैं शफीक